कई बार हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा मामला क्या चल रहा है। दूसरा मामला है IRCTC घोटाला, और ईडी कब प्रवेश करती है, जब किसी मामले में अपराध से पैसा आता है। 24 ठिकानों पर जो रेड हुई, जो पूछताछ हुई, वो ईडी की रेड थी और न कि CBI की। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही बिहार की राजनीति में आ रही है कि सुशील मोदी ने ललन सिंह और नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार को लगातार जो उन पर छापे पड़ रहे हैं उसका जिम्मेवारी उन्होंने लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ललन सिंह नहीं होते तो शायद तेजस्वी की गिरफ्तारी तक बात नहीं पहुंच पाती। ईडी CBI का लगातार जो छापा पड़ रहा है तेजस्वी यादव के परिवार पर, इसे सुशील कुमार मोदी ने सीधे तौर पर जोड़ दिया है ललन सिंह से। उन्होंने इशारों में यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और तेजस्वी उनके लिए सबसे बड़ा कांटा इस गठबंधन में बन गए थे, ऐसे में उन्हें ठिकाने लगाना बहुत जरूरी था और इसके लिए ललन सिंह का कहीं ना कहीं उपयोग किया गया। ललन सिंह ने जिस तरीके से विसिल ब्लोअर का काम किया, 2004 से 2009 के बीच में रेलवे में नौकरियां जो दी गई थी, तथाकथित रूप से बताया जाता है कि उन नौकरियों को ग्रुप डी में इसलिए लालू यादव ने दिया था ताकि उनके बदले जिन लोगों को लाभ हुआ था, यानी लाभार्थियों को, उनकी जमीन रजिस्ट्री करा ली। अब लालू यादव पर तो आरोप लगा ही है, हालांकि उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार फंसे हुए हैं। CBI के 3 समन के बावजूद वो नहीं पहुंच पाए हैं CBI के समक्ष और उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है। अंततः ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो सवालों के घेरे में खड़े हो गए तेजस्वी यादव। उन्हें लगा था कि कोर्ट उन्हें राहत देगी, लेकिन दिल्ली कोर्ट ने उन्हें उल्टा ये कह दिया कि सोमवार को यदि आप नहीं पहुंचते हैं CBI के समक्ष तो आप पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए CBI स्वतंत्र है। ऐसे में तेजस्वी यादव की जो गिरफ्तारी की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। हालांकि CBI ने ये दावा किया है कि वो मार्च में उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन विदेश जाना उनका संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रैल के शुरुआती दौर में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। अब बात सुशील मोदी की। सुशील मोदी ने पटना में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान उन्होंने ये बात खुलकर कही कि यदि ललन सिंह और नीतीश कुमार नहीं चाहते तो तेजस्वी की गिरफ्तारी की स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। CBI और ED के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं ललन सिंह ने, उन साक्ष्यों के आधार पर ही आज तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो रही है। भले ही आज वो गठबंधन में है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं ललन सिंह का, नीतीश कुमार का, ताकि उन्होंने जिस तरीके से तेजस्वी यादव को, उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया था, आगे भी वैसे ऐसा करते रहें। हालांकि आज वो उनके साथ गठबंधन में हैं, आज उनके साथ है, तो हो सकता है कि उन्हें ये लगता हो कि तेजस्वी ने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि ललन सिंह ने फेसबुक का रुख किया था, जदयू की तरफ से भी स्टैंड आया था कि ईडी और CBI का उपयोग जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कल भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि हमारे पीछे तोता लगाया गया है। आज कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने जो बयान दिया है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बिहार की राजनीति में आज भी जदयू और भाजपा के बीच कोई ना कोई बातचीत चल रही है और सुशील मोदी ने उसी के तहत तेजस्वी यादव को CBI के समक्ष जो प्रस्तुत होना पड़ा है और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए, उसके लिए ललन सिंह और नीतीश कुमार को बधाई दी है। लालू परिवार से जुड़ा जो मामला चल रहा है, तो कई बार हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा मामला क्या चल रहा है। तो पहला तो है कि चारा घोटाला, जिसकी पूरी जानकारी आपको है। दूसरा मामला है IRCTC घोटाला, जिसमें तेजस्वी यादव पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी बेल पर हैं और जिसका ट्रायल प्रारंभ होने वाला है दिल्ली के स्पेशल CBI कोर्ट में। और तीसरा मामला है जमीन के बदले नौकरी लिखवाने का मामला, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला। तो अभी के दिनों में जो कार्रवाई हो रही है वो तीसरे मामले को लेकर हो रही है कि जब लालू यादव 2004 से लेकर 2009 के बीच में भारत सरकार में रेल मंत्री थे, उस समय में रेलवे की नौकरी जिन लोगों को दी गई उसमें से बहुत सारे लोगों से जमीन लिखवा ली गई। इसीलिए जो कहते हैं नौकरी के बदले जमीन लिखवाना,
तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो ये जो मामला है रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने से जुड़ा मामला, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ये भी बता दें, जो एफआईआर दर्ज हुई वो महागठबंधन की सरकार आने के पहले एफआईआर दर्ज हुई। तो ऐसा नहीं है कि सरकार बनने के बाद कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी महागठबंधन की सरकार बनने के पहले, और अभी ईडी भी इसमें प्रवेश कर रही है। और ईडी कब प्रवेश करती है? जब किसी मामले में अपराध से पैसा निकलता, पैसा आता है, क्राइम किया गया, अपराध हुआ, पैसा आया, उस पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हुआ या उपयोग हुआ, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर तो डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निर्देशालय, अभी जो पूछताछ हुई हाल के दिनों में, 3-4 दिन पूर्व जो 24 ठिकानों पर जो रेड हुई, जो पूछताछ हुई, वो ईडी की रेड थी, वो न कि सीबीआई की। तो इसलिए, और जो बेल का मामला था वो सीबीआई से जुड़ा मामला था, जिसमें कि 25 तारीख को तेजस्वी यादव को हाजिर होना है। तो मित्रों, जिस मकान में ईडी ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की, वो मकान है D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। ये नई दिल्ली का 4 मंजिला आलिशान मकान है, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, और जिस मकान के आज मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और एक कंपनी जिसका नाम है AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के भी मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तब ये जो AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी ने जमीन खरीदी एक हजारी राय से, या हजारी राय ने अपनी जमीन औने पौने दाम पर AK इंफोसिस्टम को बेच दिया 2006 में, और उसके बदले में हजारी राय के दो भतीजे दिलचंद्र कुमार और प्रेमचंद्र कुमार, इनको जबलपुर और कोलकाता में 2006 में रेलवे की नौकरी लग गई। तो जिस व्यक्ति के दो भतीजों को रेलवे में नौकरी लगी, उस हजारी राय ने अपनी जमीन, दानापुर महुआबाग की जमीन, AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को, और वो जमीन उसने लिख दिया। और ये जो हजारी राय ने महुआबाग की जिस जमीन को लिखा, 21 फरवरी 2007 को, ये 9527 वर्ग फुट भूखंड है, जो 10,83,000 में नकद भुगतान कर उस जमीन को ट्रांसफ़र किया गया। मित्रों, अब ये जो AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनी क्या, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। AK इंफोसिस्टम का मतलब होता है अमित कात्याल इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। और ये अमित कात्याल कौन है? तो जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी 2000 से 2005 के बीच में, तो बिहटा में एक बियर की फैक्ट्री लगी थी जिसका नाम था आइसबर्ग प्राइवेट लिमिटेड। ये अमित कात्याल की कंपनी थी आइसबर्ग प्राइवेट लिमिटेड, जिसे राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते उनकी मदद से और बिहटा में बियर की फैक्ट्री लगाई, जिस कंपनी में लालू यादव की दो बेटियाँ भी डायरेक्टर थी। तो ये AK इंफोसिस्टम अमित कात्याल के नाम से, ए का मतलब अमित, के का मतलब कात्याल, तो AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड यानी अमित कात्याल इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। अब ये AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो है, जिसके मालिक थे अमित कात्याल, उनके भाई राजेश कात्याल, इन दोनों भाइयों ने अपना शेयर, आपको मालूम है कंपनी में शेयर होता है, और जिसके पास शेयर होगा वही कंपनी का मालिक होगा। तो आज की तिथि में इस कंपनी में 8,500 शेयर राबड़ी देवी के नाम से है, और 1,500 शेयर जो है वो तेजस्वी यादव के नाम से है। तो 2014 से लेकर आज तक इस कंपनी की मिल्कियत किसके पास है, मालिकियत किसके पास है? तो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास है। और मात्र 1,00,000 रुपये में इन लोगों ने शेयर खरीदी, और शेयर खरीद कर AK इंफोसिस्टम के वो मालिक बन गए।
इस कंपनी में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चंदा यादव पहले डायरेक्टर थे, लेकिन बाद में उन्होंने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। इस समय रागिनी लालू, ये जो रागिनी यादव नाम आता है उसका वास्तव में नाम रागिनी लालू है, ये रागिनी लालू उसकी डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर कोई बन सकता है, लेकिन मालिक वही होता जो शेयर होल्डर होता, जिसका कंपनी का शेयर होता है। ये जो AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, यानी अमित कात्याल इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इसके 97% शेयर राबड़ी देवी के नाम से है और 3% शेयर जो वो तेजस्वी यादव के नाम से है। और इस प्रकार 1,00,000 रुपये में AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के ये लोग मालिक बन गए। और इसी कंपनी के नाम से 2006 में कंपनी बनी है। इसी कंपनी के नाम से हजारी राय ने अपनी जमीन रजिस्ट्री कर दिया, तो परिणाम क्या हुआ कि जमीन AK इंफोसिस्टम में आ गई और उस कंपनी के मालिक कौन हो गए, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। तो आज उस जमीन के मालिक कौन है, तो राबड़ी देवी तेजस्वी यादव उस जमीन के मालिक हैं। और ये वही अमित कात्याल हैं जिन्होंने 2010 में तेजस्वी यादव को 9.5 लाख रुपए की गाड़ी उपलब्ध कराई थी। अमित कात्याल की कंपनी है ट्राइंगल ट्रेडिंग लिमिटेड, उसने 2010 में तेजस्वी यादव को 9.5 लाख रुपए की गाड़ी उपलब्ध कराई। और अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।